मेंबर्स की, उसका ही विरोधी पक्ष नेता बनेगा। तो क्या इसकी चर्चा होगी आपस में डिसाइड होगा? चर्चा होगी। सबसे ज्यादा आंकड़े तो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास ही है तो कांग्रेस अपना चाहेगी कि उनका विपक्ष का नेता बने। कांग्रेस आखिर जिसकी संख्या ज्यादा उसका ही विपक्ष नेता होगा। कल जो आपने जो मीटिंग बुलाई है उसका मुद्दा क्या होगा सर? कांग्रेस की कल जो मीटिंग होने वाली है, जो राजकीय स्थिति आज की है, जो बन गई है स्टेट में पूरी राजकीय स्थिति, उनके बारे में हमारे जो मेंबर्स है, जो सदस्य है हमारे विधानसभा के, विधान परिषद के, विधिमंडल के जो सदस्य है, उनके साथ हमें जिस चर्चा करना है, हमारे वरिष्ठ नेता है उनके साथ चर्चा करना है। एक आखिरी सवाल, विधानसभा उसके बारे में क्या उम्मीद है, जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ या नहीं होगा इस पर आपकी क्या उम्मीद है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी जो उसी पर निर्भर करती है। नहीं, ऐसा है कि हमारे जो अध्यक्ष विधानसभा के, उनकी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है कि जो ऐसा पक्षांतर बंदी कायदा जो कानून है उसके मुताबिक उन्होंने काम करना चाहिए। क्योंकि अभी तक अजीत पवार की तरफ से कोई पत्र दिया नहीं गया स्पीकर को कि उनके पास कितने लोगों का समर्थन है, और सबसे पहले जो मूव है वो शरद पवार जी की तरफ से किया गया है जिसमें 9 लोगों के निलंबन की मांग की गई। वो तो है, उन्होंने की है, राष्ट्रवादी ने जो है माननीय जयंत पाटिल उनके अध्यक्ष है, उन्होंने वो मूव की है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी जो है वो कोलैप्स हो चुकी है, क्या वो कोलैप्स हो गई, अभी भी एग्जिस्ट करती है? नहीं, बिल्कुल कोलैप्स हुई नहीं, वज्रमुठ हमारी पक्की हो गई। फिर किस तरह से कल जो शपथ विधि हुई उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हिंदी में कहिए सर, आप मराठी में कहिए। नहीं, ऐसा है कि कल की जो हुआ है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा घटना है, आपके लोकशाही के लिए, आपकी राज्य घटना जो है आपकी, उनके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर सत्ताधारी होते हैं वैसे विपक्ष पक्ष होता है, जो जिम्मेदारी लोगों ने हम पर डाली है वो हमने काम करना चाहिए, वो नहीं किया उन्होंने। आज जो असेंबली स्पीकर है राहुल नार्वेकर, उन्होंने कहा मेरे को कोई उनके पास कोई पत्र नहीं आया है अजीत पवार के इस्तीफे का, क्या कहना? ठीक है, उनके बारे में मुझे मालूम नहीं, मैं देख के बताऊंगा। थैंक यू।